हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, कि फेस और हेयर को HD तरीके से स्मूथ कैसे करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेना है और इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद यहाँ नीचे टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और टून इमेज को सिलेक्ट करना है और इसकी ब्राइटनेस को इतना सा बढ़ा लेना है, 30+ कर लेना है। और उसके बाद कंट्रास्ट को कुछ नहीं करना है और सेचुरेशन को भी 30+ बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर हाइलाइट्स में जाना है और इसको माइनस कर देना है, 60+ माइनस करने के बाद शेडो को जाना है और इसको भी माइनस कर देना है और यहाँ से राइट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको फिर से टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और सेलेक्टिव वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर टैप करके इसको यहाँ पे जहाँ ब्लैक ब्लैक है वहाँ पे ला के इसको यहाँ ऐसा रख के और इसको बढ़ा लेना है, ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। तो ये वाइट हो रहा है, जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ मैं बढ़ा लेता हूँ। ओके, ओके तो इतना बड़ा लेने के बाद यहाँ से राइट कर देना है। इतना करने के बाद फ़ोटो को यहाँ से सेव करके स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। स्केचबुक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर लिया हूँ। स्केचबुक में ओपन कर लेने के बाद पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे की ओर स्लाइड करना है और ये स्मूथ वाला दिख रहा है, इसमें से ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है और इसके दो लाइनें इस पर क्लिक करना है और इसकी फॉलो को 8 रख लेना है और स्ट्रेचर को 9 और इसकी साइज़ को अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लेना है। तो मैं इसको 12 पे रख लेता हूँ और यहाँ से कट कर लेना है और अपने फ़ोटो को जूम करके बिल्कुल अच्छी तरीके से धीरे धीरे इसके ऊपर अप्लाई करना है और बिल्कुल फ़ोटो को घुमाते जाना है और फिर इसको अप्लाई करना है। ओके, तो मैं इसको फटाफट अप्लाई कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरीके से करने के बाद यहाँ से 3 लाइंस पे क्लिक करना है और शेयर वाले पर क्लिक करके इसको सेव टू डिवाइस कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको फ़ोटो को HD क्वालिटी में बनाना सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको मैं सिखा दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऑल फ़ोटो पर क्लिक करना है और अपना फ़ोटो ये वाला आ गया। तो फ्रेंड, इसमें टूल्स वाले लाइट्स वाले पर क्लिक करना है और एक्सपोज़र को 0.10+ कर लेना है और कंट्रास्ट को इतना प्लस में रख लेना है, 19-20+ में रख लेना है और हाईलाइट्स को माइनस कर लेना है। इतना करने के बाद शेडो पर आना है और इसको भी माइनस में कर लेना है और इस वाइट्स वाले में जाना है और इसको भी माइनस में कर लेना है और ब्लैक को भी माइनस में कर लेना है और फिर यहाँ कलर्स वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है और मिक्स टूल को सेलेक्ट करना है और ये फर्स्ट वाला टूल है, इसको इसकी
लेमिनस को इंक्रीज कर लेना है 57+, और सेचुरेशन को भी माइनस में कर लेना है, और ह्यू को इतना बड़ा लेना है, और फिर फेस कलर के ऊपर जाना है। फेस कलर में आने के बाद इसकी सेचुरेशन को 50+ माइनस में कर लेना है, और इसकी लेमिनस को 100+ कर लेना है। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद ग्रीन वाले कलर पर आना है और इसकी ह्यू को इतना सा माइनस कर लेना है, और इसकी सेचुरेशन को प्लस में कर लेना है, और यहाँ से डन कर लेना है। ओके, और फिर यहाँ से शेयर वाले पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना है। फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेना है और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फ़ोटो को ओपन कर लेना है। तो फ़ोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद इफेक्ट वाले टूल के ऊपर सेलेक्ट करना है, और इसको स्लाइड कर लेना है, और इसको आर्टिस्ट वाले टूल को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाना है और फेटल टू को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर फिर से एक बार क्लिक करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और यहाँ से इरेजर वाले टूल को सेलेक्ट करना है, और इसको यहाँ से उल्टा कर लेना है, और फिर अपने कपड़े पर इसको अप्लाई कर देना है। तो मैं इसको अपने कपड़ों पर यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से कपड़ों पर अप्लाई कर देना है। कपड़ों पर अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसको राइट कर लेना है। राइट करने के बाद इसे सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ। यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर लेना है। फ़ोटो को सेव करने के बाद एक और एप्लीकेशन में ओपन करना है, जिसका नाम है टूलविज। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस टूलविज एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ये टूलविज एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। टूलविज एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ये प्रो एडिटिंग वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ से इस वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करना है जो अभी हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से सेव किया है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है, और ये इंसेंस वाले पर क्लिक करना है, और इसमें स्प्रे वाले पर सेलेक्ट करना है, और इसको जनरल वाले पर क्लिक करना है, और ये मास्क वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और इसको यहाँ से क्लेम कर देना है, और अपने हेयर एयर पर इसको अप्लाई कर देना है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से धीरे धीरे इसको हेयर के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो मैं इसको हेयर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। हेयर के ऊपर अप्लाई करने के बाद यहाँ से राइट कर लेना है। ओके, फिर से इसकी इसी के ऊपर फिर से क्लिक करना है, और फिर से इस वाले को सेलेक्ट करना है, और फिर से मास्क वाले पर क्लिक करके इसको क्लेम कर देना है, और फिर से अपने हेयर के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। ओके, तो मैं इसको फिर से हेयर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ऐसा आपको एक बार और करना है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेना है, और इधर इफेक्ट वाले में आना है। इफेक्ट वाले टूल में आने के बाद सॉफ्ट स्मूथ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसको थर्ड नंबर पर सेलेक्ट कर लेना है, और इसको मास्क पर क्लिक करके इसको क्लेम कर देना है, और इसको अपने हेयर के ऊपर ऊपर अप्लाई कर देना है। देख सकते हैं अपने हेयर कितने अच्छे तरीके से स्टाइलिश दिखने लग गए हैं। ओके, तो मैं इसको हेयर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ फेस के ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद यहाँ से राइट कर देते हैं। अब आपको बताता हूँ कि फ़ोटो को HD क्वालिटी में कैसे बनाते हैं। उसके लिए इस फ़ोटो को पहले सेव कर लेना है। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो को HD क्वालिटी में बनाने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका नाम है फ़ोटो टून। ये मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, फ़ोटो टून। फ़ोटो टून सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करना है, और ये जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन आ रहा है इसको ओके करना, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ, इसके ऊपर आपको भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको गैलरी के फ़ोटो मिल जाएंगे। ये जो हमने फ़ोटो सेव किया था इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और इसको यहाँ पे राइट कर देना है, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला इंटरलेस्ट वाला ऐड दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक, इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पैसा कमाने का कोई नया तरीका। इसके बाद यहाँ पर कोने में जो क्रॉस वाला निशान आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इसको कट कर देना है, और ये जो लाइन प्रोसेसिंग हो रहा है अभी, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि फ़ोटो कैसा HD क्वालिटी में बना है। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना HD क्वालिटी में लग रहा है। इस फ़ोटो को सेव करने के लिए यहाँ पर सेव वाले पर क्लिक करना है, और आपको फिर से एक और ऐड देखना है। देखिए, एक बात बताता हूँ, फायदा डाउनलोड करो, ऐड देख लेने के बाद फिर से आपको यहाँ से कट कर लेना है, और यहाँ से डन कर देना है, तो आपका फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।